सरकारी ट्रामा सेंटर में बुजुर्ग महिला को अपने हाथ से स्ट्रेचर खींचकर ले जाना पड़ा मरीज। क्या वाकई नहीं लगाया जा रहा सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को पलीता? क्यों नहीं रहता कोई कर्मचारी तैनात? अचानक गंभीर केस आए तब कौन ले जाएगा मरीज को अंदर? मेडिकल कॉलेज का हिस्सा सरकारी ट्रामा सेंटर में मथुरा नगर से छत से गिर जाने पर घायल अवस्था में परिजन को लेकर आए तो हैरत वाली बात यह रही कि स्ट्रेचर तो मौजूद था पर उस पर ले जाने को कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। बुजुर्ग महिला व उसके साथ आई एक युवती खुद स्ट्रेचर पर लिटाकर मरीज को दिखाने के लिए अंदर तक ले गए। सरकारी ट्रामा सेंटर का अब ये हाल है कि यहाँ स्ट्रेचर ले जाने वाला तक कोई नजर नहीं आता है। बीते दिन भी एक लापरवाही का मामला चर्चा में रहा था, अब एक बार फिर यही रवैया दिखाई दे रहा है। इससे लगता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को यहाँ पूरी तरह से धूमिल किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भैया है, क्या हुआ था? अच्छा, जीना से गिर गए थे। तो ये आप और ये बच्ची स्ट्रेचर खींच के ला रही है, तो कोई था नहीं, कर्मचारी नहीं था बाहर? कोई नहीं है कर्मचारी, देख रहे सब, कोई नहीं है, नहीं है कोई। देखा आपने अच्छी तरह, कोई है कि नहीं है? हाँ देखा, कोई भी नहीं है। आप और कौन थी, ये महिला कौन थी, कौन है ये आपकी? ये मेरी मम्मी है। अच्छा, ये कौन? मामा है। मामा है।